हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे UPRV UNL के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और ये पार्ट 5 है और इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, और कुछ मॉडल पेपर भी मैंने डिस्कस कर रखा है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए उपयोग गेज, यानी कि बाहरी जो व्यास है उसको जांच करने के लिए हम कौन से गेज का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रिंग गेज का उपयोग करते हैं। किस लिए? तो बाहरी व्यास की जाँच के लिए। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इसकी जो क्रिया विधि है वो कैलिपर गेज के समान होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग बेलनाकार आकार के जॉब की बाहरी माप की जांच करने के लिए किया जाता है। किसका? तो रिंग गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस पदार्थ से लेप नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि लेदर, यानी कि जो लेदर है इस पदार्थ से लेप नहीं बनाए जा सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिलिंग जिग की बुश बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कार्बन स्टील से, यानी कि जो ड्रिलिंग जो जिग है इसकी जो बुश है वो कार्बन स्टील से बनाई जाती है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही जिग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टील पार्ट पर क्रोमियम की परत चढ़ाने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सीमेंटेशन, यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, तो स्टील पार्ट पर क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रिल नंबर 1 का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 0.228 इंच होता है। किसका आकार होता है? तो ड्रिल नंबर 1 का आकार होता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है। इससे ये पता चल रहा है कि जो ड्रिल क्या है, तो वो कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है। किसका? तो ड्रिल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोराइजिंग ज्वाला, यानी कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 3 कोन होता है, यानी कि जो कार्बोराइजिंग जो फ्लेम होता है उसमें 3 कोन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेथ मशीन के किस भाग में डेड सेंटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि टेल स्टॉक, यानी कि लेथ मशीन के टेल स्टॉक जो होता है भाग उसमें क्या होता है, तो डेड सेंटर होता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, लेथ मशीन का दूसरा नाम क्या है, तो खराद है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो टेल स्टॉक को लूज हेड स्टॉक या पपेट हेड भी कहा जाता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो यह कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, BA थ्रेड में थ्रेड कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 47.5 डिग्री होता है। किसमें होता है? तो BA थ्रेड में थ्रेड कोण यही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नाइफ एज फाइल के लिए टेपर होता है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 10 डिग्री होता है, यानी कि नाइफ एज जो फाइल होता है उसके लिए जो टेपर जो होता है वो 10 डिग्री होता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसका आकार चाकू की तरह होता है, नाम से ही पता चलता है नाइफ एज फाइल। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जो इसका आकार होगा वो कैसा होगा, तो वो चाकू की आकार की यानी चाकू की तरह होगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो यह रेती चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पिग आयरन को गलाकर रॉट आयरन बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि पुडलिंग भट्टी में, यानी कि जो पिग आयरन है उसको गलाकर रॉट आयरन कहाँ बनाया जाता है, तो पुडलिंग जो भट्टी है इसमें बनाया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, पिग आयरन बहुत ही निम्न कोटि का लोहा होता है जिसे सीधे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो कार्बन की जो मात्रा है वो अधिक होता है तथा भंगुर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेजिंग में सामान्य उपयोग में आने वाला गालक यानी कि फ्लक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि बोरेक्स, यानी जो बोरेक्स है वो क्या है, तो ब्रेजिंग में सामान्य उपयोग में आने वाला फ्लक्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लकड़ी के कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं, यानी कि रास्प कर्तन फाइल का उपयोग करते हैं किस लिए, तो लकड़ी के कार्य के लिए। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इस प्रकार की फाइल के फेस पर दांते मोटे और उभरे हुए कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मोर्स टेपर नंबर 1 बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 0.5986 इंच पर फुट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शोल्डर एक एलॉय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि टीन एवं लेड का, यानी कि जो शोल्डर है वो किस किस चीज का एलॉय है, तो टीन एवं लेड का एलॉय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भाग फाइल यानी कि रेती में नहीं होता, यानी जो रेती है यानी जो फाइल है उसमें कौन सा, इसमें चारों ऑप्शंस में सबको बताना है उसका भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि फ्लूट जो है वो फाइल का भाग नहीं है। और जैसे कि हील, शोल्डर और टैंग ये सब क्या है, तो फाइल के भाग हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से और इसके मुख्य जो भाग हैं यानी कि पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं। तो जैसे कि पॉइंट हुआ, फेस हुआ, एज हुआ, शोल्डर हुआ, हील हुआ, टैंग, ये सभी क्या है, तो फाइल के मुख्य पार्ट्स के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्ट ट्यूब का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो चुका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि फ्लैट जो है वो क्या है, तो ड्राफ्ट ट्यूब का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ड्रिल चक ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आर्बर द्वारा फंसा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिलेंडर के खोल की ढलाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ग्रे कास्ट आयरन से इसकी ढलाई की जाती है। किसकी, तो सिलेंडर के खोल की ढलाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाई जो स्पीड स्टील है उसमें क्या क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि उसमें वेनेडियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है, टंगस्टन भी होता है। और जो वेनेडियम है वो 1% होता है,
जो क्रोमियम है वो 4% होता है और जो टंगस्टन होता है वो 18% होता है। किसमें? तो हाई स्पीड स्टील में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पाइप की बाहरी चूड़िये काटने वाली डाई बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि टूल स्टील से बनाई जाती है। यानी कि जो पाइप जो होता है, यानी कि जो पाइप होता है, पाइप की जो बाहरी जो चूड़िये जो होती है उसको काटने वाली जो डाई जो होती है वो टूल स्टील से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। होनिंग प्रक्रिया में नीचे दिए गए में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग किया जाता है। किस प्रक्रिया में? तो होनिंग प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि कोणीय सतहों की जांच करने में कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, इसकी बनावट में एक रूल, एक स्क्वायर हेड, एक सेंटर हेड तथा एक प्रोटेक्टर हेड होता है। इसका दूसरा पॉइंट है कॉम्बिनेशन सेट का साइज इसके रूल या ब्लेड की लंबाई के अनुसार लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 90 डिग्री होगा। यानी कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए जो काउंटर सिंक कोण होगा वो क्या होगा, तो वो 90 डिग्री होगा। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रू का प्रयोग दो पार्ट्स या दो भाग को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्टोरेज बैटरी उपयोग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि लेड। यानी कि जो स्टोरेज जो बैटरी जो होता है वो लेड का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लेथ मशीन में स्वतंत्र जा चक में जबड़ यानी कि जॉ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 4 जबड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।